हेलो दोस्तों, आइए आज पराठे के साथ खाने वाली भिंडी मसाला बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है और उसमें बहुत ही फ्रेश टेंडर और ताज़ी भिंडियों को मैंने फ्राई किया है। यहाँ पर कुछ भिंडियाँ इतनी छोटी हैं जिसके टुकड़े भी मैंने नहीं किए हैं। तो इस तरह से तेल में भिंडी को फ्राई कर लें। बस ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा जलाना नहीं है, बस इतना तलना है कि इसका चिपचिपापन ख़त्म हो जाए। जब ये भिंडियाँ थोड़ी सी ब्राउन दिखने लगे तब इसे एक प्लेट पर निकाल लें और एक तरफ रख दें। अब बचे हुए तेल में थोड़ा सा मेथी दाना डालें, लगभग 1/4 टीस्पून, और उसे थोड़ा सा चटका लें। अब कुछ कच्चे मसाले निकाल लें। तो 1/2 टीस्पून लहसुन पेस्ट है, 1/2 टीस्पून अदरक पेस्ट है, 2 हरी मिर्च कटी हुई है, 1 बड़ा प्याज को चॉप कर लें, 1 बड़े टमाटर को चॉप कर लें और इन सारी चीज़ों को मेथी दाने में डाल दें। अब इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी देर पकाते रहना है। इतना पकाना है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए और प्याज लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ ही यहाँ पर अब कुछ पाउडर मसाले भी हमें निकाल कर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ही नमक और 1/4 टीस्पून ज़ीरा निकाला है। तो इन सारे मसालों को इस भुने हुए टमाटर वाले पेस्ट में डाल दें और इसे अच्छी तरह से भून लें। पर्पस ये है कि मसाले और टमाटर लहसुन अदरक इतनी देर तक तला जाए कि इसमें एक बाइंडिंग हो जाए और ये पिसे हुए मसाले जैसा स्मूथ दिखने लगे। अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा पानी का छींटा भी डाला जा सकता है। अब इसी पेस्ट में हमें फेंटा हुआ दही मिलाना है। तो मैंने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही डाला है। ये दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अब दही अक्सर लोगों की फट जाती है, तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पर लगातार चलाते हुए आपको मसाले के साथ दही को एकजान कर लेना होगा ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और फटे नहीं। बस यही एक ट्रिक है जिससे दही फटता नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरह से मसाले को भून लिया है कि ये एकदम इकट्ठा हो गया है। अब जैसा कि मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे भून लेना है और इंडियन मसाले की यही ब्यूटी है कि इसे भूनकर हम खूब सोंधा बना लेते हैं। अब ये मसाला हमारी पसंद के हिसाब से भुना जा चुका है, तो यहाँ पर तली हुई भिंडियाँ डालें और भिंडियों के साथ भी मसाले को खूब अच्छी तरह से भून लें ताकि भिंडी की बची खुची चिपचिपाहट भी ख़त्म हो जाए और भिंडी कुरकुरी और सोंधी लगे। इस तरह से भूनते हुए लगभग 10 मिनट समय तो लग ही जाता है। अब इतना भून लेने के बाद इसमें 1 प्याला पानी डालें जो लगभग 300 ml है। इसी में हमारी भिंडियां गलेंगी और करी भी इसमें बचना चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो हम थोड़ा पानी और डाल दे सकते हैं। तो अब इस भिंडी को हमें मसाले के साथ गलाना होगा। तो यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और ढक्कन लगा देंगे। 7-8 मिनट में भिंडी गल जाएगी। आप देख सकते हैं कि भिंडी अच्छी तरह से गल चुकी है, मसाले स्मूथ और बिल्कुल इवन लग रहे हैं। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल रेडी है पराठे या पूरी के साथ ब्रेकफास्ट में खाने के लिए। तो इसी तरह से भिंडी मसाला बनाएं, बहुत ही मज़ेदार होता है। देखिए आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना लाजवाब दिख रहा है। तो इसी तरह से भिंडी मसाला बनाएं। मुझे उम्मीद है इसका टेस्ट आपको कभी मायूस नहीं करेगा, बल्कि आप इसी तरह से बार बार लगातार भिंडी मसाला बनाना पसंद करेंगे। इसे अच्छी तरह से धनिया की पत्ती से, थोड़ा सा चाट मसाला और 1 चुटकी गरम मसाले से डेकोरेट कर लें। इससे इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा और देखने में भी ये खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।